व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक एंड न्यू ब्लॉग। और आप कैसे हो? आई होप सो भी अच्छे होंगे, अच्छे रहना। और मेरे जो पिछले जो वीडियो है उसका आपको पार्ट कैसा लगा? जो अच्छा लगा हो तो इसको भी लाइक करके जाना। एंड जो अभी वीडियो बन रहा है, एंड संडे, आज संडे है तो हम सुबह सुबह निकल रहे हैं किशनगढ़। तो टाइम देखो क्या हो रहा है। चल जा रे। अच्छा, हाँ 3:50 हो रहे। सो हम निकल रहे हैं किशनगढ़। नितिन भाई भी रेडी हो चुके हैं, हमारा बैग वैग सब रेडी है। देखो पूरा सेटअप पूरा रेडी कर लिया हमने, बस जैकेट पहननी है, बाइक साफ करनी है और निकल जाना है किशनगढ़ के लिए। एंड अभी तो मुझे लगता है रोशनी होगी रोड पे, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएगी, छोटे छोटे क्लिप हम बना देंगे जहाँ हम चाय के लिए रुकेंगे। फिर वहाँ से वहाँ आपको सही से कनेक्ट करेंगे, कुछ टाइम पर थोड़ा सूरज आ जाएगा तो वहाँ की रोशनी भी हो जाएगी। तो चलते हैं और बताते हैं कि किशनगढ़ में हम कहाँ जा रहे हैं। तो रास्ते में चलते चलते हम आपको बताएंगे कहाँ जाएंगे। तो लेट्स गो भाई। गाड़ी को वार्म अप कर दिया है, गर्म हो चुकी है गाड़ी हमारी, ये सब ने अपने कर चुके हैं वार्म अप। सो क्या ब्यूटीफुल लग रही है। मैं थोड़ा शाम को साफ करूँगा गाड़ी, पता अभी कुछ नहीं आई, जब बंद होती है ना तब आवाज़ आता तेज आती है भाई, हमारी में भी आती है। वही तो आती है। सो निकले सब, चलो एंड सो गाइस, हमने कर दी अपनी बाइक स्टार्ट और निकल गए हम किशनगढ़ के लिए। तो फिर हम ऐसा करेंगे ना, तो हम किशनगढ़ से हम सीधा दिल्ली के लिए ही निकल जाएंगे। हाँ सो हमारे गार्ड साहब सो रहे हैं, ताला खोलेंगे तब हम निकलेंगे। देखो कि सेफ्टी, देखो सेफ्टी, इस प्रॉपर्टी की सेफ्टी देखो, साला कोई नहीं जा सकता ना कोई आ सकता है। जी ने खोल दिया गेट, चलो लेट्स गो बेबी। एंड सो गाइस, हम निकल चुके हैं होटल से। सो लेके अब चलते राइड स्टार्ट करते हैं अपनी, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम, बम बम बोले, हर हर महादेव। चलो एंड राधे राधे, चलो राइट साइड कर, चलो 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 खींचो इस किशनगढ़ के लिए। हाँ भाई यही बात है डिजिटल मीटर का भाई, यही बात। हाँ तो बढ़िया बढ़िया भाई, ठंड एक गजब की ठंड लग रही है यार यहाँ पर। तो यार दो एक टी शर्ट के अंदर, ऊपर एक टी शर्ट पहनी है फिर जैकेट पहनी है भाई, फिर भी ठंड लग रही है पैरों पे। भाई साहब मेरा इंजन सही है, अभी हीट कर देगा तो अब सही हो जाएगा मेरा। सो गाइस, अभी हमने ब्रेक लिया एक टी का, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर, सबकी हालत बहुत बुरी हो रही है। तो हमने यहाँ पर चाय ली है। तो मैं थोड़ा ऐसे घूम रहा हूँ, थोड़ा बस लगाओ बोला जा रहा है, इतना ठंड है यहाँ पर। तो हमारे साहिल भाई पेट्रोल भरते हैं, उनके पास ही आ रहा था मैं। सो हमारे नए सब्सक्राइबर मिले हैं, ये भाई है यहाँ पर, मैं पता पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा भाई साहब से। सो इन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। सो आप भी जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हम और अच्छी अच्छी राइड पर निकलेंगे यहाँ से, आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे भाई साहब। हाँ जी, तो हम इतनी मेहनत ही, हम तो इतनी मेहनत ही कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो, लाइकर को भी दबाइए। यस एंड सो गाइस, देखिए हमारे साहिल भाई कैसे सो रहे हैं, देखो कैसे सो रहे हैं। आ जाओ। अरे बैग ले लो यार। गाइस चाय पीते हमको यहाँ पर हो गया उजाला, तो सब हो गए अब रेडी, सबने चाय पी ली, एक एक बार नहीं तीन तीन चार चार बार चाय पिए, तो अब सब रेडी हो चुके हैं। मैंने थोड़ा अपनी एरिया को साफ भी कर लिया, क्योंकि थोड़ी गंदी भी हो रही थी, ऊपर से कर दिया थोड़ा साफ, बट ठीक है, अच्छा है।
तो लेट्स गो चलते हैं। सो गाइस हमने टी ब्रेक ओवर करके अपनी बाइक को रेडी करके निकल चुके हम सीधा। ओ भाई ठंड लग रही है भाई साहब। सो गाइस भाई बड़ी ठंड है तेज। सो हम निकल चुके हैं किशनगढ़ के लिए एंड वो जाओ लमसम किलोमीटर है 65 के आसपास ही का लमसम किलोमीटर बचा है। सो हम अब एक भी ब्रेक नहीं लेंगे, सीधा हम किशनगढ़ लगाएंगे। जो मार्बल डंप यार्ड है ना वहीं पर जाएंगे हम, तो वहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करेंगे, वीडियो आपको आपके लिए बनाएंगे। सो प्लीज़ शायद हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो अपने बंदे वहाँ पर है, जाते इतनी खींचेंगे, नॉर्मल चलते रहेंगे। बढ़िया है, हमको रोड दिखा रहा हूँ, क्या परफेक्ट रोड है किशनगढ़ के लिए। देखो ये छोटी सी झील क्या बढ़िया लग रही है। देखो क्या बेहतरीन व्यू है, दूर दूर तक खेत, दूर दूर तक खेत। देखो क्या बेहतरीन नज़ारा, क्या बेहतरीन नज़ारा। ये देखो हाईवे है, ये देखो कितने दूर दूर ट्रक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये अपने बनी भाई हमारे आगे, विक्रम भाई, मोहित भाई एंड हमारे पीछे है नितिन भाई। हैशटैग और शाह भाई आगे रोड खराब है भाई। वो देख वो देख वो देख अभी हुआ वो गड्ढा बचा। हाँ ये कैप्चर हुआ हुआ, 100% कैप्चर हुआ हुआ। फटी ना गाइस। देखो ये ओडी वाले को देखो, इतनी रश ड्राइविंग कर रहा है, इतनी रश ड्राइविंग कर रहा है भाई साहब। गुजरात का नंबर है ये, देखो क्या रश ड्राइविंग कर रहा है। वाह भाई वाह, वा, गाड़ी है तो कुछ भी है, कैसी मर्जी चलाओ, बस बहुत रश ड्राइविंग कर रहा है भाई बंदा ये। ये देखो 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 देखो, अब देखो राइट आ गया, देखो कैसे भगाता हुआ लेके आएगा। देखो ओए वो भगाता हुआ लेके आ रहा है, तुम कहाँ पीछे आ गए हो। सो देखो कितना भगाता हुआ लेके आ रहा है, देखो कितना भगाता हुआ लेके आ रहा है। देखा गाइस कितना तेज भगाता हुआ लेके गया। एंड सो गाइज यही चीज़ होती है, देखो रील बनाते हुए जा रहे हैं आराम से, ये हाईवे सो परफेक्ट। सो गाइज सो ऐसा कुछ व्यू हाईवे का है एंड आगे चल रहे हैं भाई बनी भाई। भाई अभी भी ठंड कपड़ा लग रही है भाई, तो टाइम हो चुका है हमारे पास 8:20 है। सो ये ऐसा कुछ व्यू, देखो ऐसा कुछ व्यू है, आपको साफ दिख रहा होगा। मैं पैंट के नीचे लग रही है हवा बहुत गंदी वाली, ठंडी ठंडी। देखो आपके लिए व्यू है पूरा। हाँ ग्रीनरी बढ़िया है ना। बस हो गाइस हम पहुंचने वाले किशनगढ़ आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में या 20 मिनट में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 15 से 20 किलोमीटर ही बचा था, तो हमने आधा कवर तो कर ही लिया है। तो मात्र 20 मिनट में हम किशनगढ़ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ देखेंगे टाइमिंग क्या है अपने तो मार्बल डंप यार्ड की, तो हम वहाँ जाएंगे शूट करेंगे। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द वहाँ पहुँच जाए, अपना काम शूट वूट करें, फिर वहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। एंड सो गाइस भाई की स्कूटी का ये फैन है, फैन निकल गया, ये फैन ना ढीला हो गया है, तो अभी देखते हैं सो कसने की कोशिश करते हैं। ये कस जाएगा आराम से, फैन है ये कस जाएगा। तो सो गाइस चलो चलते हैं, अभी
प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है, बट ये थोड़ा बहुत है, कूलिंग सही करेगा वो। कौन सा था, ये थी ना, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे निकालो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम चलेंगे हम। चलो भाई चलो। बूम, ओए दे R15। भाई भाई बढ़ चला इतने बेहतरीन मार्बल्स देखो, मार्बल ही मार्बल है हर जगह, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, मार्बल ही मार्बल पूरे पूरे ऐसे देखो, ऐसे लोडिंग होती है पूरी। एंड सो गाइस, हम जा रहे हैं टोकन लेने, तो जहाँ पर सबका पास जो जो आ रखा है उसका एक आधार कार्ड और उसका गाड़ी का नंबर उसमें मेंशन होगा, तब जाके हमको एक टोकन मिलेगा। सर एंट्री बता रहे हैं, एंट्री फ्री है यहाँ की, तो अच्छी बात है, एंट्री फ्री है तो पहली बार हमको कुछ फ्री चीज़ मिली है, तो हम पूरा भरपूर इंजॉय करेंगे। सो ये देखो, पत्थर पत्थर ही पत्थर। हाँ जी, सो गाइस हमने एंट्री कर ली है, एंड भाई जी ने कर दिया, एंड बनी तो भाई ये सिंपल एंट्री कर दी, और उसके बाद में भाई अब जाएंगे वहां पे और इसको दिखाएंगे, उसको एंट्री मिल गई। सो ये देखो डंपी यार्ड का, एंड सो गाइस हमने डंपिंग यार्ड के लिए टोकन ले लिया है, एंड ये है डंपिंग यार्ड का ऑफिस। सो ये अंदर ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर ही है डंपिंग यार्ड से। तो मैं आपको फ्रंट फेस दिखा देता हूँ ऑफिस का कैसा है, तो ये बहुत इजी रहेगा। एंड ये है डंपिंग यार्ड का एसोसिएशन का ऑफिस, पूरा मार्बल का एसोसिएशन का ऑफिस है पूरा, ये देखिए। एंड ये बिल्डिंग है सामने वाली, इसके नीचे ऑफिस है इनका, तो यहाँ से हम आराम से इनके टोकन ले सकते हैं, टोकन ले सकते हैं। एंड ये खड़ी है भाई बाइक, एंड लेट्स गो, चलो चलते जल्दी से जल्दी, एंड फिर हमको यहाँ से दिल्ली भी निकलना है, तो लेट्स गो। सो गाइस हमने स्टार्ट करी डंपिंग यार्ड की चढ़ाई, सो हमने यहाँ से मेन एंट्री स्टार्ट करी, देखो यहीं से ही है, देखो देखो वो देखो पूरा पिकनिक स्लॉट दे, देखो 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 पूरा भाई साहब मार्बल ही मार्बल पीछे, देखो ओहो वास्ता भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पर कुछ समुंदर है। ओए होए ओए भाई, ऑफ रोडिंग भाई साहब बेहतरीन। हाँ वो देखो कैसे बैठा आगे बंदा, क्या बेहतरीन है ये, ओए घोड़ रेस हो रही, घोड़ रेस हो साइडिंग, घोड़ रेस हो रही यहाँ पर, घोड़ रेस। तो आप ये बताइए, आप आए क्यों यहाँ पर, घोड़ा दौड़ाने आए हो, क्या बात है, हेलीपैड भी है, चले हेलीकॉप्टर ले, अबे यहाँ पर आते हैं अंबानी लोग आएंगे उड़ के, हाँ यहीं आते हैं, यहीं आएंगे। एंड सो गाइस हम आ चुके हैं मार्बल के डंपिंग यार्ड में, सो मेरे पीछे देखो पूरा व्हाइट मार्बल्स, ये मार्बल का जो टुकड़े हुए हिस्से होते हैं ना, घिसा हुआ माल, ये सब जाके यहाँ पर डंप कर देते हैं, तो इसलिए डंपिंग यार्ड पूरा इसका नाम दे दिया है। बट आप इसको भी बीच में देखोगे झील सी बना रखी है छोटी छोटी सी, तो ये झील इसलिए यह है जो जो बारिश का पानी आके यहाँ इकट्ठा होता ना, तो देखो इस क्या पहाड़ बन गए, और कुछ यहाँ पानी बह बह के यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता, तो इसलिए
अब इसको थोड़ी झील बोलते थे। देखो वहाँ पर देखो हर चीज़ हो रही है, देखो हॉर्स राइडिंग भी हो रही है सामने, देखो ये देखो क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है भाई, देखो कितने मतलब एकड़ ही हो गया, एकड़ में ही फैला हुआ है। सो ये देखिए पूरा व्यू। तो हमारे भाई लोग आगे जा रहे हैं। एंड सो गाइस अब ये हमारे यहाँ पे शूट वूट हमने कर लिया है, एंड ये जो कुछ है देखो सर ये सब ऐसा ही है। देखो पूरा झील का पानी जो बारिश से आते हुए हर मार्बल के ऊपर से पानी निकलता होगा यहाँ के खट्टा हो जाता होगा, तो यहाँ का पानी देखो पूरा ब्लू है। एंड सो अब हम यहाँ घूम चुके हैं एंड हम जा रहे हैं दिल्ली। अब हम जाएंगे सीधे दिल्ली, यहाँ से पकड़ेंगे एक्सप्रेस जो भी हाईवे आएगा हम वो पकड़ेंगे, अब जाएंगे सीधे दिल्ली के लिए। सो मिलता हूँ अभी मैं आपको अपनी ईवा के साथ, तो लेट्स गो। एंड सो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से, एंड बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा जैसे अच्छा बहुत अच्छा प्लेस है। देखो वहाँ वेडिंग शूट हो रही है, वहाँ हॉर्स राइडिंग हो रही है, वहाँ ऐसे सेल्फी वेल्फी खिंचवा रहे हैं। एंड हम निकल रहे हैं, हाँ प्री वेडिंग शूट, सॉरी प्री वेडिंग शूट हो रहा है वहाँ पर, प्री वेडिंग ही बोल देते हैं वैसे, प्री वेडिंग हो रहा है तो प्री वेडिंग शूट वैसे बोल देते हैं। सो हम निकल रहे हैं, हम पहले जाएंगे हम लोकल सर्विस सेंटर अपने TVS के भाई के, उसमें वो फ़ैन लगवाना है कूलिंग फ़ैन, उसके बाद निकलेंगे हम दिल्ली के लिए नॉन स्टॉप एक जगह बस हम वो करेंगे, ब्रेक लेंगे कोई लंच के लिए ब्रेक लेंगे, बाकी फिर हम नॉन स्टॉप ही लगाएंगे। तो लेट्स गो यहाँ से निकलते हैं, पहले यहाँ मट्टी बहुत है, कैमरा ढक लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपको पहले हाईवे पे सीधा। एंड सो गाइस जो प्रॉब्लम हुई थी बाइक स्कूटी के अंदर वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, एंड अब हम निकल गए जयपुर, जयपुर एक्सप्रेस वे के लिए जो बाईपास है जयपुर का, एंड वहाँ से होते हुए सीधा सीधा हम निकलेंगे दिल्ली। एंड ज़्यादा स्टॉपेज नहीं लेंगे हम अब, यहाँ एक या दो ही स्टॉपेज लेंगे बस, उससे ज़्यादा स्टॉपेज नहीं लेंगे, वो भी लंबा लंबा लेंगे 100 किलोमीटर चलने के बाद ही लेंगे जो भी लेंगे। सो अब यहाँ से पहले भीड़ भड़क्के से निकलते हैं। एंड सो गाइस दिल्ली 2 किलोमीटर, अबे बोर्ड काट दिया भाई साहब, बोर्ड काट दिया, दिल्ली कम से कम 280 किलोमीटर होगा यहाँ से या 270। सो ये आगे खुला रोड, क्या बेहतरीन व्यू है, बीच में कुछ पचा पचा कर रखा है, अच्छा फूल है बेहतरीन भाई, क्या व्यू है। एंड ये हमारा बनी है, मज़ा आ गया, ऐसी रोड मिल जाए खाली खाली, अबे हाईवे में लाल बत्ती कौन लगाता है बे साला, पार्टी बदल दिया है, अच्छा चौराया है, ओके एडराज एडराज साड़ी की खोपड़ी फोड़ राज। एंड सो गाइस हमने एक अभी छोटा सा एक ब्रेक लिया है थोड़ा लंच करने के लिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। सो हम अभी इस वाले होटल में, नॉर्मल होटल है, एंड सब भाई को खाना रेडी हो चुका है, और जो बताया ना ये खाना ये खाना ये खाना ये एंड अभी खाना खा के अब जहाँ से बस हल्का 15-20 मिनट का रेस्ट लेंगे, चाय पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे फिर सीधे निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। अभी निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, निकल चुके हैं बस हम जस्ट अभी जस्ट में बाहर निकले ढाबे पे रुके, चाय खाना पियेंगे, खाया हम खाएंगे सॉरी खाएंगे फिर कल से सूटम सूट निकलेंगे, फिर हमें एक छोटी ब्रेक लेंगे बाद में जब हमारा घर पहुँच कर कम से कम 150 किलोमीटर पहुँचेगा, तो एक ब्रेक लेंगे चाय की, उधर सीधा से घर निकलेंगे। तो चलो लंच करते हैं उसके बाद फिर मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ थोड़ा सा फ्लाइट पर। सो गाइस हमारा लंच हो चुका है, हम सब निकलने की तैयारी पे, हम अब जाएंगे सीधा सीधा अपनी 70-80 की स्पीड में ही चलेंगे, एंड हमको जल्द से जल्द अब दिल्ली लगानी गाड़ी। तो लेट्स गो चलते हैं, लेट्स गो। हम निकल चुके हैं अब अपने घर के मंजिल की तरफ, सो गाइस दिल्ली रह गया 274 किलोमीटर, हम लगाएंगे 4 घंटे में गाड़ी, ये फर्स्ट टाइम आएगा हम 2 घंटे में गाड़ी लगाएंगे। अभी देखो हेलीकॉप्टर आ रहा है सीधा घर पहुंचेगा, अब है नितिन भाई हम सीधा देखो 274 किलोमीटर बचे हैं,
अरे 274 है। अरे तुम साथ साथ चल रहे भाई, यू टर्न लेना है यहाँ से, वो है लेफ्ट 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 लेफ्ट, सही जा रहे हो सही जा रहे हो। एंड सो गाइस ये है ट्रैफिक, यही है का ट्रैफिक है। देखो अब तो अब गैस करो हम कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर ट्रैफिक। ओहो सो बस गुड़गांव भी आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट गुड़गांव पहुँच जाएंगे हम और वहाँ से अपने घर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था एंड मेरे एक्शन कैमरे की बैटरी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, पूरा ही लो हो चुका था। तो जस्ट अभी हल्का सा रुक के मैंने फ़ोन अपना एक्शन कैमरा चार्ज किया, अभी भी इसकी मुश्किल से 10% बैटरी होगी। गुड़गांव आ चुका है, मानेसर टोल पार कर दिया हमने एंड ये हमारी DLF की बिल्डिंग भी आ गई है। सो हमें अब घर जाते जाते लग जाएगा थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का टाइम, और तो हमारे भाई बहनों तो पूरा खींच के निकाल दिया उन्होंने, तो मैं भी निकाल देता हूँ। एंड सो गाइस आई एम फाइनली मैं अपने घर पे आ चुका हूँ एंड घर पे क्या एंड धौला कुमार पहुँच चुके हम। तो मैं आज की वीडियो यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे कैमरे में बैटरी नहीं है एंड स्पेस भी नहीं है मेरे पास। तो अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको ब्लॉग जो हमारी सीरीज़ है वो कैसे लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करो सब्सक्राइब करो, फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।